कि लास्ट का जो लेक्चर था हमारा उस पर हमने एक थ्योरम की थी। वो थ्योरम ये थी 4.3 कि कोई फलन विश्लेषिक हो तो उसके लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है। लेकिन अब सुनो, हमने कोशी रीमान समीकरण का कार्तीय रूप तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन आज की क्लास में कोशी रीमान समीकरण का कौन सा रूप? ध्रुवीय रूप हम पढ़ेंगे। ध्रुवीय रूप किस में होता है ये आप सभी जानते हो, आर और थीटा में। अब एक्स और वाई हट जाएंगे, उनकी जगह कौन आएंगे? आर और थीटा। यानी हमारा जो फंक्शन होगा वो आर और थीटा में दिखाई देगा। अब ध्यान से देखिएगा कि कोशी रीमान, अब सुनो, पहले कार्तीय व ध्रुवीय, कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध, ये तो इलेवंथ क्लास में, क्या इलेवंथ क्लास में पढ़ा हुआ, ट्वेल्थ में भी, फर्स्ट ईयर में भी, कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों का संबंध। और ये चार रिलेशन, कितने रिलेशन होते हैं टोटल? फोर रिलेशंस। क्या क्या रिलेशंस होते हैं? एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये टोटल चार रिलेशन होते हैं। हम और भी रिलेशन निकाल सकते हैं इसी से, जैसे डिफरेंशिएशन कर दें हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो भी कौन सा? पार्शियल, एक्स के सापेक्ष पार्शियल। पार्शियल बोले तो आंशिक अवकलन। पार्शियल का मतलब क्या होता है? आंशिक अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का, ओहो, एक्स के सापेक्ष कर रहे ना अपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का तो 2x, और वाई स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का अवकलन कितना? 0। आर स्क्वायर का 2r और डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो यहां से एक रिलेशन और आ गया, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, और एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? आर कोस थीटा। तो आर से ये वाला आर कैंसिल, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कोस थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू चेक करेंगे तो वो कितनी आएगी? सिमिलरली साइन थीटा। अब इस वाले से हम क्या करें? चलो इसका भी डेल थीटा अपॉन डेल एक्स करके देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका भी तो होगा, वाई तो चुपचाप 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एक्स स्क्वायर यहां से एलसीएम लेंगे तो किसके पास आएगा? 1 के पास। एक्स स्क्वायर पे जो एलसीएम आएगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर। वो वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा? माइनस वाई, माइनस वाई, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर। तो रिजल्ट आ गया माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। और इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी? कोस थीटा अपॉन आर। तो ये जो टोटल कितने रिलेशन? चार तो पहले थे, चार हमने बना लिए नए, तो ये सभी रिलेशंस आपको याद होने चाहिए कि डेल एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स कोस थीटा, डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई कोस थीटा अपॉन आर। तो ये पूरे टोटल 8 रिलेशन से कुल मिला के, है ना। अब बात करते हैं कि कोशी रीमान समीकरण का हमें कौन सा रूप लाना है? ध्रुवीय रूप। ठीक, तो ध्रुवीय रूप लेकर के आते हैं हम। देखिएगा सब बच्चे अच्छे से कि ध्रुवीय रूप कैसे आएगा। ध्यान से सुनो सभी बच्चे, ध्यान पूर्वक देखो कि सबसे पहले कोशी रीमान समीकरण का, कौन सी समीकरण का?
कोशी रीमान समीकरण का कार्तीय रूप। कार्तीय रूप क्या होता है पहले उसको देखो, क्या होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये होता है कोशी रीमान समीकरण का कार्तीय रूप। अब एक काम करते हैं हम बाय चेन रूल। कौन सा रूल? बाय चेन रूल। चेन रूल ये कहता है, सबसे पहले हम इस वाले डेरिवेटिव को लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर इसको लिखेंगे तो डेल यू अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स। ध्यान से देखो, जाना कहां है? यू से एक्स के पास, लेकिन हम कैसे गए? यू से आर के पास, आर से एक्स के पास। देखो देखो, यू से आर से एक्स, और जाना यू से एक्स के पास, तो गए तो यू से एक्स के पास ही है, लेकिन हम किससे मिलते हुए गए? आर से मिलते हुए गए। ऐसे थीटा से भी तो मिलोगे, वरना थीटा नाराज हो जाएगा। तो यू से थीटा, थीटा से एक्स। अब यही प्रोसेस सभी में चलाएंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो जहां एक्स है वहां क्या कर दीजिए? वाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एंड ध्यान से देखो अच्छे से कि अब प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और ये डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ऐसे ही वी का भी एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, उसका भी प्रोग्राम चला दीजिए। डेल वी अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ऐसे डेल वी अपॉन डेल वाई, तो डेल वी अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो इस तरीके से मैंने चेन रूल से ये जितने भी एक दो तीन चार, टोटल कितने डेरिवेटिव थे? चार। तो चारों को मैंने कहां लिख लिया? यहां लिख लिया। अब रही बात मान रखने की, इन सबके मान भी रखेंगे हम, डेल आर अपॉन डेल एक्स का, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का। इन सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? इन सबका मान रखने के बाद फिर हम आगे सोल्व करेंगे। देखो मान रखते हैं, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल आर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ऐसे यहां भी रखो, डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू साइन थीटा, फिर डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कोस थीटा अपॉन आर। ऐसे यहां भी रखेंगे, डेल वी अपॉन डेल आर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सेम वही कोस थीटा। तो इस तरीके से फिर प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस साइन थीटा अपॉन आर। और लास्ट लाइन और लिखनी है अपन को, अच्छे से देखें, डेल वी अपॉन डेल आर, और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा डॉट, और डेल इसकी वैल्यू कोस थीटा अपॉन आर। तो ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, थ्री एंड फोर। तो टोटल कितनी इक्वेशंस आ गई? फोर। हमने चेन रूल की हेल्प से चार इक्वेशंस बना ली, एक दो तीन और चार, और सारों में हमने क्या रख दिया? मान भी रख दिया। अब बारी आती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से सुनो, या फिर एक काम करते हैं ना, इनमें मान रखते हैं ना, सी आर इक्वेशन में डेल यू अपॉन डेल एक्स इसको किसके इक्वल करते हैं? डेल वी अपॉन डेल वाई के, और इसको इसके इक्वल करते माइनस लगा के। यहां देखो माइनस लगा के कर दे वैल्यूज बराबर। अब चलिएगा, इसके बाद जैसे हम कोशी रीमान समीकरण में मान रखेंगे, हमारे पास नई इक्वेशंस बन जाएंगी।
तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो डेल यू अपॉन डेल आर कोस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और ये माइनस के साइन थीटा अपॉन आर बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू किसके बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर फोर में देखो तो इक्वेशन फोर से अपन वैल्यू बराबर करते हैं डेल वी अपॉन डेल आर ये साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन आर ये इक्वेशन कौन सी आई पांच ऐसे डेल वी अपॉन डेल वाई को इस डेल वी अपॉन डेल एक्स के लेकिन माइनस लगा के ध्यान से सुनना माइनस लगा के तो डेल यू अपॉन डेल आर एंड साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और कोस थीटा अपॉन आर बराबर में और इसमें माइनस लगाना है ध्यान से सुने तो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा और माइनस प्लस साइन थीटा अपॉन आर सब अच्छे देखो अच्छे से सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुने कि मैंने क्या किया सी आर इक्वेशंस की वैल्यू रख दी सी आर समीकरण जानते हो कोशी रीमान समीकरण उसका मान रख दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स ठीक चलो अब बारी आती है कैलकुलेशन की कैसे की जाएगी वो अच्छे से सुनना और समझना कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे सुनो ध्यान से सुनो इक्वेशन पांच को मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा से प्लस इक्वेशन छह को करेंगे साइन से और दोनों को आपस में जोड़ देंगे ठीक अब पांच कोस से मल्टीप्लाई तो कोस और कोस कोस स्क्वायर साइन और साइन साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन तो इससे डेल यू अपॉन डेल आर तो एक रिजल्ट आएगा बच्चों इससे डेल यू अपॉन डेल आर बराबर वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा ये एक रिलेशन आएगा यहाँ पे भी जब कोस से करोगे साइन से करोगे तो कैंसिल ले जाएंगे ये वन अपॉन आर और साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन और ऐसे ही जब आप क्या करोगे पांच को साइन से करोगे और छह को किससे करोगे कोस से इस बार जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के बाद डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर तो बच्चों ये है कोशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप डेल यू अपॉन डेल आर बराबर वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा यू पहले आता है अल्फाबेट में वी बाद में तो जैसे हम निर्देशांक लिखते ना आर कोमा थीटा तो आर पहले थीटा बाद पहले पहले एक साथ बाद वाले एक साथ बस में वन अपॉन आर उसमें माइनस लगेगा और ऊपर आर चला जाएगा और आर और थीटा को कर देंगे रिप्लेस कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया ये कोशी रीमान समीकरण का कौन सा रूप पढ़ा ये ध्रुवीय रूप बुक का मैं एक एग्जाम्पल सेकेंड फर्स्ट हमने कर लिया था लास्ट के लेक्चर में एक फंक्शन दे रखा है एक्स वाई प्लस आयोटा वाई और क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो कि दिया गया फलन विश्लेषिक नहीं है तो कैसे करोगे देखिएगा u प्लस आयोटा v तो दोनों पक्षों की हम क्या करेंगे तुलना करेंगे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है u की वैल्यू एक्स वाई और v की वैल्यू y अब वही डेरिवेटिव निकालेंगे सी आर इक्वेशन को चेक करेंगे कोशी रीमान समीकरण को डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू y और डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू x और डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू जीरो और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू वन तो हम देखेंगे अतः स्पष्ट है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस तो यानी कोशी रीमान समीकरण ही संतुष्ट नहीं हुई
देखो सेटिस्फाइड हुई क्या, सी आर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो गिवन फंक्शन जो है इज नॉट एनालिटिक, कि दिया गया फलन विश्लेषिक नहीं होगा। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे पास सिद्ध करो का था, किसका था, सिद्ध करो, सिद्ध करो कि दिया गया फलन विश्लेषिक नहीं है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है थर्ड, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, दो एग्जाम्पल हमने कर लिए बच्चों, ध्यान से सुने, हम एग्जाम्पल फोर को भी कंप्लीट कर लेते हैं इस लेक्चर में। एग्जाम्पल फोर, सॉरी थर्ड एग्जाम, और ये एग्जाम आया क्वेश्चन है ये ई की पावर जेड, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो, वापस से सिद्ध करो, प्रूव दैट कि गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, सिद्ध करो फलन विश्लेषिक है, साथ ही इसका अवकलज भी ज्ञात करो, साथ ही इसका क्या ज्ञात करो, अवकलज भी ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो ध्यान से सुनो, अब ई की पावर जेड, ई की पावर जेड, जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई, यही होती बच्चों। अब ध्यान से सुनो, ई की पावर एक्स और ई की पावर आयोटा वाई, ई की पावर आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते, एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, और e की पावर आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, पढ़ रखी ना दवाई माई वर्क पर मैं, e की पावर आयोटा वाई को कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर x कोस वाई, और v की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर x साइन वाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कोशी रिमांग के लिए वही चारों डेरिवेटिव निकालेंगे, सेम प्रोसेस, वही चारों डेरिवेटिव निकालो, सीआर इक्वेशन चेक करो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और एक कोस वाई क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ई की पावर एक्स तो चुपचाप, कोस वाई का माइनस साइन वाई, यही होता है ना अवकलन, ऐसे डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी का एक्स के रेस्पेक्ट में, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन वाई का कोस वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा यहां से, ई की पावर एक्स और साइन वाई का कोस वाई। जरा चेक करो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या, ये और ये भी सेम है, बस एक मिनट देखें, डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहां साइन वाई आएगा लिखने में, तो ये साइन आ गया यहां पे, तो ये दोनों भी सेम, लेकिन इस माइनस का डिफरेंस है, यानी कोशी रीमान समीकरण क्या है, संतुष्ट, कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट, चेक कर सकते हो आप, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, देखो देखो कोशी रीमान समीकरण क्या हो गई, संतुष्ट हो गई, यानी दिया गया फलन विश्लेषिक है, लिखेंगे बकायदा कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट है, अतः दिया गया फलन कैसा है, विश्लेषिक। लेकिन प्रश्न ने एक बात और बोली है कि इसका अवकलज भी ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, सारे बच्चा पार्टी सुनना, कि इसका अवकलज भी ज्ञात करो, एक बात बताओ, मैं अवकलज पुराने तरीकों से क्यों निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे, हम नया तरीका क्या है सुनो, जब हमने डेरिवेटिव निकाल रखे हैं तो थ्योरम जो हमने पढ़ी थी 4.2 डेरिवेटिव की, जो आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध था, उसमें क्या था डेरिवेटिव, एफ डे जेड का फॉर्मूला क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आल्टा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये आया था ना, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स कोस वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स साइन वाई, वापस से वही ई की पावर एक्स कॉमन लो, कोस वाई प्लस आल्टा साइन वाई, और इसको वापस हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आल्टा वाई, तो ई की पावर एक्स प्लस आल्टा वाई, और एक्स प्लस आल्टा वाई क्या लिख दें, जेड। ओहो ये क्या बात हो गई, देखो ई की पावर जेड का डेरिवेटिव ई की पावर जेड, ये हम भी जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर जेड का अवकलज क्या आया, ई की पावर जेड ही आया। तो बताओ
कि कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी हो, तो हमने क्या सीखा आज की क्लास में कि हमने ये सीखा, दो बातें सीखी हमने। पहली बात तो ये कि कोशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप क्या होता है। दूसरा हमने ये सीखा कि अगर हमसे विश्लेषिक के बारे में अगर पूछे कभी भी कि सिद्ध करो कि फलन विश्लेषिक है, तो कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट बता दो। और अगर अवकलज पूछे कि अवकलज भी ज्ञात करो, ऑल्सो फाइंड द डेरिवेटिव, तो ऐसे में क्या करोगे, जब हमने कोशी रीमान समीकरण के लिए डेरिवेटिव निकाल रखे हैं, तो इन डेरिवेटिव को रख करके हम क्या निकाल लेंगे, अवकलज भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अवकलज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस ही करने। अब दो थ्योरम मैंने करा दी, सिंपल सिंपल सी थ्योरम थी, ज्यादा हार्ड थ्योरम्स नहीं थी। अब हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे आगे की क्लास में। टोटल 13 एग्जांपल हैं, 13 एग्जांपल हमको फिनिश करने। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।